तो लास्ट टाइम हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था पढ़ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम में देर आर थ्री थिंग्स या थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स। द फर्स्ट वॉज ब्लड, ठीक है, द सेकेंड वॉज ब्लड वेसल्स, ओके, और जो थर्ड थिंग थी दैट वॉज हार्ट। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ब्लड एंड ब्लड वेसल। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्ट। ठीक है, आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम लोग ने अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियोज देखे हुए पीछे के, तो हम लोग को एक रफ आइडिया आ जाएगा कि वॉट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो अपने बॉडी में जो है पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड जो लिक्विड है, लिक्विड को सर्कुलेट होने के लिए पीछे से प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, कोई पंप करना चाहिए, और वो ब्लड जो है जो ब्लड वेसल में फ्लो होता है उसको पंप करने के लिए जो ऑर्गेन है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। ओके, तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। सो इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी। तो हार्ट का काम क्या है, इट हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड चीज देखें, अगर हम लोग इसके कलर की बात करें, सपोज अगर आपने मैमल का हार्ट देखा होगा, सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा होता है वो, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हार्ट को, अगर डाइसेक्ट करके देखें, तो हार्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हॉलो। ओके, अगर हम लोग देखें कि हाउ द हार्ट इज मेड, तो हार्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मसल्स, सो वी कैन कॉल इट एज मस्क्यूलर। ओके, अगर साइज की बात करें तो इंसान की जो मुट्ठी होती है, जो फिस्ट होता है, ठीक है, सो इट इज द साइज ऑफ वंस ओन फिस्ट। तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है उतना बड़ा आपका हार्ट होता है लगभग। ओके, अगर वजन की बात करें हार्ट की, तो जो मेल का हार्ट होता है, ठीक है, जो मेल होता है उसका हार्ट जो होता है दैट इज अबाउट ऑफ 300 ग्राम्स। ठीक है, बट जो फीमेल का हार्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, छोटा मतलब उसका वजन थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 250 ग्राम्स। ठीक है, इसका लेन देन कोई फीलिंग से नहीं होता है। ये हार्ट बड़ा और छोटा इसलिए क्योंकि मेल की जो बॉडी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, और फीमेल की जो बॉडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, इसलिए हार्ट का साइज बड़ा और छोटा है। ओके, नॉट टू रिलेटेड विथ एनीथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट विल सी द शेप ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट को आप ऊपर से देखोगे तो देखो कैसा ब्रॉड है, और नीचे से कैसा है, नैरो है। तो द हार्ट इज ब्रॉड फ्रॉम द टॉप। कैसा होता है वो, ब्रॉड होता है टॉप पे से। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे से देखेंगे सो इट इज नैरो। सो इट इज नैरो एट द टिप। इतना समझा, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी अपना जो हार्ट होता है ना, बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन अ स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। नाउ व्हाट मीडियास्टिनम इज, बेसिकली अपने को पता है वी हैव लंग्स। ठीक है, ऐसे दो लंग्स होते हैं अपने पास, और लंग्स के बीच में देखो यहाँ पर स्पेस होता है। ठीक है, ये जो बीच का जो स्पेस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो हार्ट बेसिकली किधर लोकेटेड होता है, मीडियास्टिनम में। व्हाट इज मीडियास्टिनम, इट इज द स्पेस बिटवीन द लंग्स। स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। इतना समझा, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी अगर हार्ट को हम लोग देखेंगे ना, सो इट इज लोकेटेड समवेयर ओवर हियर। हार्ट इधर पे होता है लगभग किधर, ठीक है, इधर ऐसे हार्ट होता है, और हार्ट के नीचे होता है डायफ्राम, इधर नीचे होता है डायफ्राम। ठीक है, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट लाई एट द टॉप ऑफ डायफ्राम। ठीक है, सो इट इज अबव अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होता है। अभी बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना रहेगा कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है, ये सब झूठ है, बकवास है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हार्ट लेफ्ट में नहीं होता है, हार्ट का जो कोनिकल हिस्सा है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। तो हार्ट एक्चुअल में, हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता है, ये तो बस मैंने 14-5 वाला बना दिया है। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप, इसका कोनिकल हिस्सा जो है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ है। हार्ट इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन द सेंटर, यहाँ पर ब्रेस्ट बोन होती है। ठीक है, यहाँ पर अपनी ऐसे रिब्स होती है और बीच में ब्रेस्ट बोन होती है, एग्जैक्टली ब्रेस्ट बोन के पीछे अपना हार्ट होता है। तो लेफ्ट में सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट हुआ रहता है, सो इट इज टिल्टेड टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। उसका जो चोच होता है, जो उसका एंड का पार्ट होता है, ठीक है, इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट।
इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें, हार्ट जो होता है ना वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हार्ट के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसी बना देते हैं इधर पे एक मेम्ब्रेन। हार्ट जो होता है वो एक मेम्ब्रेन में क्लोज होता है, ये जो क्लोज्ड मेम्ब्रेन है ना हार्ट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्डियम। सो व्हाट इज पेरिकार्डियम? इट इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन और अ लेयर अबव द हार्ट। ठीक है, अगर पेरिकार्डियम को टच करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। पेरिकार्डियम कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी उसके ऊपर नमी रहेगी। ठीक है, एंड इट इज इलास्टिक लाइक बलून, जैसे बलून कैसा खींच सकता है, सेम तरीके से पेरिकार्डियम जो होता है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। अगर हम लोग उसके सेल के लेवल पे जाएंगे, सो इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या बना होता है? अपना पेरिकार्डियम बना होता है। ठीक है, अब पेरिकार्डियम जो है ना बेसिकली उसको दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं पेरिकार्डियम को इतना जूम करके बताऊँ तुम लोग को, इफ आई जस्ट जूम दिस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, इधर पे अगर जूम करूँ तो पेरिकार्डियम जो है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स। ये एक बाहर का लेयर हो गया और एक अंदर का लेयर हो गया। ठीक है, सो देर आर टू लेयर्स। ठीक है, एक पराइटल है और एक विसरल है। सो वन इज पराइटल, ठीक है, और जो दूसरी लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल लेयर, VISCERL। सो पेरिकार्डियम इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, द पराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर। अब ये दोनों लेयर के बीच में ना स्पेस होता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना स्पेस है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। तो अभी मैंने क्या बताया? हार्ट इज कवर्ड बाय अ लेयर विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के मैंने यहाँ पर फीचर्स बताया, और उसके बाद बताया कि पेरिकार्डियम को अगर जूम करके देखेंगे तो उस इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, द विसरल लेयर एंड द पैराइटल लेयर। अब ये दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। अब पेरिकार्डियल स्पेस जो है वो खाली तो नहीं रह सकता है, तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है उसके अंदर? एक फ्लूइड। ठीक है, सो दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल, सो दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम और द पेरिकार्डियल स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर हम लोग नापेंगे उसको, सो इट इज अबाउट 50 ml। कितना रहता है वो? 50 ml। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना रहता है ह्यूमंस में? 50 ml। दिस कैन बी आस्क इन योर नीट और योर जस्ट नॉर्मल एग्जाम, सो जस्ट कीप एन आइडिया ऑफ हाउ मच पेरिकार्डियल फ्लूइड डू वी हैव। तो ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ 50 ml होता है। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका काम क्या होगा? इसका बेसिक काम है शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही वाइटल ऑर्गेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है और नाजुक भी है साथ में, तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। एंड दैट प्रोटेक्शन शॉक एब्जॉर्बेंस कौन देता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। दूसरा फंक्शन इसका है कि इट कीप्स योर हार्ट मॉइस्ट। ठीक है, हार्ट को क्या करता है? वो मॉइस्ट रखता है। ठीक है, थोड़ा उसमें गीलापन रहता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बोले तो जैसे हम लोग गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं ताकि इंजन स्मूथ चले, सेम तरीके से पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो हार्ट के स्मूथ मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। सो इट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू हार्ट। विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल गो इन डिटेल हाउ हार्ट एक्चुअली वर्क्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।